अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज फ्राइडे का दिन है तो हस्बैंड नमाज के लिए गए हैं, माहिद पढ़ रहा है, मैं बैठी हूँ और समझ नहीं आ रहा कि आज खाना क्या बनाऊँ। बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, कल उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो डॉक्टर ने तो उन्हें एकदम लाइट खाने के लिए बोला है। लाइट मीन्स नॉनवेज वगैरह तो बिल्कुल ही मना किया है और थोड़ा तेल मिर्ची मसाला कम बोला है खाने के लिए। तो मैं आज सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। घर में जो है वो थोड़ी सी पालक रखी हुई है तो मैं सोच रही हूँ कि ना आज पालक पनीर बनाया जाए, थोड़ा लाइट तीखा, मतलब ऐसे ज़्यादा मिर्ची नहीं डाल के मैं उसको थोड़ा सा लाइट और सेटल बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आप करो, लिखो। माहित को कुछ प्रॉब्लम है, वेट में आपसे 2 मिनट बाद मिलती हूँ। क्या हो गया? मैंने थोड़ा इतना वो फिर क ख ग घ ठीक है, चलो जल्दी से, पहले जितना हो रहा उतना तो लिखो। फटाफट माही, माहित का ब्रेक हुआ है और मैं इसको आकर दूंगी खाने के लिए। और ब्रेक के बाद माहित की आई थिंक कुछ पजामा पार्टी है स्कूल में। हटो माही, मैं आपसे जरा से ये एप्पल कट करके उसको दे दूँ और फिर मैं अब जो है मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। ये देखो मेरे पालक मैंने निकाल के रेडी की हूँ ये। अब मैं इसके ब्लांच करूँगी और मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगे। और जुम्मा का दिन है, प्लीज़ दुआएँ कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरे शौहर को, मेरे बच्चे को। और फिर मैं आपको ये बता दीजिए। मैंने पालक को अच्छे से धो लिया है और मैंने यहाँ पे पानी बॉईल करने रख दिया है। अब मैं इसे पालक को जो है इस पानी में डालूँगी। ये आप देखो मैंने पालक को इसमें डाल दिया है। इसे मैं ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, बस एक हल्का सा ब्लांच होने दूँगी, उसके बाद मैं इसे ग्राइंडर कर लूँगी। तो ये जी मैंने प्यूरी रेडी कर दी है इसकी। अब मैं जो है तड़के का जो सामान है वो निकालूँगी और मैं आपको बताऊँगी। जी मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब जो है मैं इसमें तेल डालूंगी और ज़ीरा डालूंगी। ये तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब जो है मैं इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालूंगी। और जी मैं इसमें ये 2 तेज़ पत्ते एंड मैं इसमें ये चॉप किया हुआ ऑनियन एंड 2 सूखी लाल मिर्च अच्छे से जो है वो गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे हम, जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। मुझे कोई भी प्याज हो किसी भी चीज़ में वो जब तक अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाती ना तो वो मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्याज एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे से गोल्डन होनी चाहिए तो उसका जो है फ्लेवर आता है। ये मेरे सूखे मसाले हैं जिसमें अदरक लहसुन लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर हल्दी और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी मैंने इसमें निकाला है, मैं ये भी डालूंगी। और गरम मसाला ऑप्शनल है, अगर तो गरम मसाला इसमें डालो तो बहुत अच्छा लगता है गरम मसाला पाउडर, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं आज उसको अवॉइड करूँ। तो ये इतने मसाले हैं, जो अभी प्याज जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें डालूंगी। ये देखिए प्याज जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, ये बहुत अच्छा इसका ब्राउन कलर आ गया है। तो अब जो है मैं सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन डालूंगी। मैंने अदरक लहसुन इसमें डाल दिया है, इसको 2 मिनट
जो है थोड़ा सा सॉटे करने के बाद जो है अब मैं इसमें ये सारे मसाले जो है वो ऐड करूँगी। अब जो है मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अब इसमें पालक भी जाएगी तो मैंने ये इतना आधा चम्मच नमक जो है इसमें डाल लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। देख सकते हो इसका जो तेल है वो बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। दैट मीन्स कि ये बहुत अच्छे से जो है वो भुन चुका है। अब मैं ये अब जो मैं इसमें प्यूरी है पालक प्यूरी मैं इसमें डाल के जो है इसे अच्छे से पकाऊंगी और पनीर जो है मैं वो अलग से फ्राई करके इसमें डालूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए मैंने पालक प्यूरी जो है इसमें बहुत अच्छे से मसाले में मिक्स कर दी है। आप देखिए ये थोड़ा सा बचा हुआ पानी और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए मतलब 5 से 8 मिनट के लिए जो इसे ढककर पकाऊंगी ताकि ये पालक जो है अच्छे से पक जाए। ये आप देख रहे हो कि माहिर की स्कूल में पार्टी चल रही है और पार्टी ऑनलाइन हो रही है। गाना ऑनलाइन प्ले हो रहा है और बच्चे यहाँ नाच रहे हैं। देखो ये देखो आजकल पार्टीज भी कितनी बोरिंग हो गई है कि पार्टीज ऑनलाइन होती है और फिर बच्चे इस तरीके से घर में जो है वो कुड़िये मारते हैं। जो नहीं हो सकता था वो कोरोना ने करवा दिया है तो अब इसी के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। आई होप के नेक्स्ट ईयर से जो है वो सारी स्कूल्स ओपन हो जाए तो एटलीस्ट ये बोरिंग पार्टीज का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाए। दुआ कीजिएगा कि अगले साल से जो है बच्चे स्कूल जाएं बिकॉज बच्चों के स्कूल का जो सत्यानाश मतलब हुआ है ना ये कोरोना टाइम में वो बच्चे हैं मतलब उनको वो स्कूल जाकर नहीं पढ़ते तो वो घर में तो क्या ही पढ़ेंगे। मतलब स्कूल में टीचर से नहीं पढ़ते तो फिर घर में तो क्या ही होगा। फिर भी बच्चों को मार रहे हैं सिखा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं हम कि बच्चे जो है वो कुछ सीख ले लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इट्स अ टास्क बच्चों को घर पे ऑनलाइन बैठ के पढ़ाना मम्मीज़ के लिए स्पेशली इट्स अ बिग टास्क। तो ये टास्क बस हम किए जा रहे हैं। कितना जीते कितना हारे कोई जो है उसका वो नहीं है। मामा जीत गया था ना मैं लास्ट ईयर बेटा। तो मैं आपसे मिलती हूँ। एक्चुअली पनीर जो है पालक पनीर ऑलमोस्ट रेडी है वो भून रहा है तो मैंने जब तक आके यहाँ पे वीडियो बनाई है मैं भी आपको फिर बताऊँगी कि वो भून चुका होगा। और फिर मैं आपसे जो है नमाज़ पढ़ लूँ नमाज़ का टाइम हो रहा है नहा लूँ नमाज़ पढ़ लूँ उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। सीरियसली बादाम कच्चा बादाम यहाँ पे स्कूल में सीरियसली मैंने एक पैन में जो है वो ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब ये ऑयल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो मैं ये सारा पनीर जो है ये पनीर मैं सारा इसमें डाल के थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करूँगी और फिर मैं पालक पनीर में डालूँगी। ये आप देख रहे हो ये कितने अच्छे से जो है ऐसे गोल्डन ब्राउन से हो रहे हैं तो इसे मैं अच्छे से जो है वो गोल्डन कर लूँ। अच्छे से जो है ये ब्राउन हो चुके हैं तो अब मैं इसे पालक पनीर की जो ग्रेवी है मैं उसमें इसे डालूंगी। दिया है अब मैं इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से एक उबाल आने तक के लिए पका लूंगी। और आप ये देखो ये मेरा बेटा टूट गया था।
कुछ नहीं करता, ये पूरा दिन बस यही खिलाने में जो है ये लोग का टाइम निकल जाता है। क्या देख रहे हैं? ये बहन तो इधर। ये देखो आप, ओ ओ माइट का कान जो है वो बाइट कर रहा है। मामा बाइट नहीं, वो जबान से टच कर रहा है। वो किस दे रहा है मामा? किस दे रहा है? तो ये मेरा खाना रेडी हो चुका है और अब इसे सर्व करने का टाइम आ चुका है, तो मैं अभी इसे सर्व कर रही हूँ। और ये देखिए मेरा लंच जो है वो रेडी हो चुका है, पालक पनीर, थोड़ा सा दही। दही जो है गर्मियों में मेरा साथी है, मुझे बहुत हेल्प होती है दही से। और थोड़ा सा सैलेड, रोटी, चावल, ये मेरा पालक पनीर और ये मेरा पूरा लंच। रात हो चुकी है और ये मैं मेरा मोटापे का हथियार खा रही हूँ। मुझे पता है इससे थोड़ा सा मोटा हो जाता है इंसान, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और मैं आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करूँगी। जब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे इसी तरह प्यार देते रहें। और मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे कल या परसों, जब भी नेक्स्ट व्लॉग में, और फिर से आपसे कुछ अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करूँगी, कुछ अच्छा दिखाऊँगी। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।